बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, कंफ्यूज थे राजू किस एंड पे थ्रो किया जाए, और कंफ्यूजन के चलते आसानी के साथ दो रन वहां पर मुकम्मल हुए। एसआर की टीम, उनके खिलाफ भैरव नाइट राइडर्स, आखिरी मुकाबला इस प्रतियोगिता का, वाइड ए गेंद थी, तीन रन अगेन वाइड, बैक टू बैक वाइड डिलीवरी जहां पर आती हुई गेंदबाज राजू के माध्यम से, अनुभवी खिलाड़ी है और यहां पर कमबैक करते हुए बढ़िया चित्ररक्षण प्रदीप के माध्यम से एक रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बढ़िया एक गेंद थी, ज्यादा समझ नहीं आई बल्लेबाज को, डॉट बॉल, सामने की ओर गेंद को खेला है केतन, वहां पर तैनात थे, बढ़िया चित्ररक्षण किया है इस पूरे प्रतियोगिता में। ओ वाला क्या तारीफ, तारीफ करनी होगी प्रदीप की भी, केतन का जिक्र हम कर रहे थे लेकिन प्रदीप ने भी बढ़िया चित्ररक्षण इस पूरे प्रतियोगिता में किया है। बढ़िया कैच वहां पर लिया गया है, नो बॉल अंपायर ने कॉल किया है, स्माइल है उनके चेहरे पे लेकिन जानते हैं इस विकेट का महत्व। एक रन मिलेगा आसानी के साथ, सात रन आठ रन नौ रन स्कोर कार्ड के ऊपर, नाइन रन ऑन द स्कोर कार्ड। पहला ओवर यहां पर खत्म हो चुका है और नौ रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। एसआर के सुपर चाइन्स टीम ने बढ़िया बल्लेबाजी की है, मौके जरूर मिले लेकिन नसीब अगर मेहरबान है तो बल्लेबाज पहलवान है। नो बॉल के ऊपर कैच लपका गया प्रदीप के माध्यम से, बढ़िया कैच था लेकिन नौ रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर। राजा है गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे, पहले गेंद के ऊपर एक रन मिला आसानी के साथ, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन विकेट के ऊपर, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और यहां पर विकेट, काफी खुश राजा वहां पर नजर आए और विकेट की आवश्यकता थी। दस रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर, पिछले मुकाबले में जरूर जीत अर्जित की थी, जीत लिया था मुकाबला एसआर के सुपर जायंट्स ने। एक रन मिलेगा आसानी के साथ, ग्यारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर, बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ, ड्रिफ्ट हो रही थी बल्लेबाज की ओर गेंद लेकिन जिस तरह से गेंद को खेला है काबिले तारीफ है शॉट, छह रन नाकोड़ा ज्वेलर्स सिक्सर। इस बार कवर रीजन में गेंद आई थी, वहां पे हमारी सभी महिला बहनाएं मौजूद है, गेंद बाहर नहीं आएगी। ओ क्या शॉट खेला है, बढ़िया शॉट इस बार सामने की ओर, छक्का जड़ दिया बल्लेबाज ने। दो ओवरों का खेल यहां पर खत्म हो चुका है और छह रनों के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 24। दो ओवरों का खेल यहां पर खत्म हो चुका है और 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बढ़िया बल्लेबाजी की है यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, तारीफ करनी होगी विकेट जरूर आया है एक लेकिन उसके बावजूद दोनों बल्लेबाज धैर्य के साथ मैदान पर खड़े हैं और 24 रन तक पहुंची है टीम एसआर के सुपर जायंट्स। ओ यहां पर बटरफ्लाई कैच, बढ़िया कैच वहां पर लपका, दूसरे अटेम्प्ट में एक कैच को कंप्लीट किया क्षेत्र रक्षक ने। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दो विकेट के नुकसान पर,
प्रदीप है गेंदबाज, सफलता उन्होंने अर्जित किया। फिर से एक बार प्रदीप तैयार, बढ़िया से तिरक्षण केतन के माध्यम से एक ही रन मात्र मिला। हिते से बल्लेबाज, नए बल्लेबाज मैदान में, ट्वेंटी फाइव 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, दो विकेट के नुकसान पर। इस बार कवर क्षेत्र में गेंद को खेला है, आसानी के साथ एक रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 26 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर यहां पर चलता हुआ, डाउन द लेग वाइड बॉल 26, 27, बढ़िया गेंद, क्लीन बॉल किया बल्लेबाज को और आवश्यकता थी। प्रदीप ने यहां पर अच्छा कमबैक करवाया अपने टीम को, दो विकेट दो सफलता इस ओवर में उन्होंने जरूर अर्जित की है। बढ़िया गेंदबाजी 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, तीन विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार प्रदीप, यहां पे मौका था, इस बार दूसरा मौका मिला नहीं है गेंद को लपकने का, कैच वहां पर छूटता हुआ और ये छोटी छोटी गलतियां उनसे बचना होगा। प्रदीप फिर से एक बार तैयार, 28 रन और इस बार बल्लेबाज आउट, हिटिंग टॉप ऑफ द रूप। 28 रन, तीन ओवरों का खेल यहां पर खत्म हो चुका है, 28 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। बदलापुर बिग बैच चेन लीग सीजन 3 और उसका लुप्त उठाते हुए सभी दर्शक, पावर प्ले आखिरी ओवर, बल्लेबाजी करने वाले टीम के पास मौका है बड़े शॉट खेलने का और कोशिश करेंगे बल्लेबाज, 28 रन जरूर बने और पिछले मुकाबले की भरपाई करनी चाहेगी टीम भैरव नाइट राइडर्स। नो बॉल 29 रन, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, देयर विल बी नो आर्ग्यू विथ अंपायर्स, ऑल प्लेयर्स। फुल टॉस गेंद थी और उसको उसके ऊपर करारा प्रहार किया बल्लेबाज ने, गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर, बढ़िया छक्का, नाकोड़ा ज्वेलर सिक्सर 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे रन की भी कोशिश, रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया दो रन वहां पर मुकम्मल किया आसानी के साथ, तालियों की गूंज मैदान में। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आखिरी मुकाबला है और हर टीम वहां पर अपनी ताकत अजमाती हुई इस आखिरी मुकाबले में। फुलटा से गेंद थी, वहां पर मौका था लेकिन कैच फिर से एक बार छूटा है। दूसरे रन की भी कोशिश की है दोनों बल्लेबाजों ने लेकिन रन मिल नहीं पाएगा। 38 रन, 38, दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ भिड़ चुकी है इसके पहले। एसआरके सुपर जायंट्स और भैरव नाइट राइडर्स, इस बार बढ़िया कैच, राजा थे वहां पर, बढ़िया कैच लिया और बढ़िया अंदाज में सेलिब्रेशन भी, उनका गॉगल गिर गया लेकिन कैच को उन्होंने लपका। 38, 5 विकेट के नुकसान पर, दो गेंदे अभी भी शेष है, आखिरी दो गेंदे इस इनिंग की, इस ओवर की। बढ़िया शॉट खेला गेंद को, इस बार आने दिया, बैकलिप नीचे लाया, हल्के हाथों से खेला, गेंद को टहलाया, एक रन प्राप्त किया, 39 रन, 39 लॉस ऑफ द 5 विकेट। कितना बड़ा लक्ष्य रहेगा ये भी देखना जरूरी है। इस बार बल्ले बल्ले पे लगी, फिर जाकर टकराई विकेट के ऊपर, प्लेट हॉर्न हुए बल्लेबाज और
39 रन कुल बने हैं इस खेल के पहले इनिंग में, और 40 रनों का लक्ष्य रखा गया है। ग्रैंड फिनाले यहां पर हम देखते हुए इस प्रतियोगिता की बदलापुर बिग बैश चैन लीग सीजन 3 तीसरा ये सीजन है इस प्रतियोगिता का, और हर साल इनोवेशन इस प्रतियोगिता को देखने को मिला है। प्रतियोगिता के माध्यम से काफी सारे इनोवेटिव्स किए गए और काफी जरूरी होता है। 40 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है, निर्धारित 4 ओवरों में यहां पर 40 रन बनाने होंगे जीत के लिए। क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य, कोई भी रन सेफ नहीं माने जाते, यहां पे लक्ष्य चेस किया जाएगा क्या, ये भी सवाल रहेगा। 40 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है भैरव नाइट राइडर्स टीम के सामने, और दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं इसके पहले। बढ़िया जीत अर्जित की थी एसआर के सुपर जायंट्स टीम ने, और फिर से एक बार परस्त किया यहां पर भैरव नाइट राइडर्स टीम ने मुत्था लायंस टीम को, और उसी के चलते यहां पर इस आखिरी मुकाबले में खेलने को मौका मिला भैरव नाइट राइडर्स टीम को। टेबल टॉपर थी ये टीम, और उसी के चलते दोनों टीम जो कि टेबल टॉपर है उनको फिर से एक बार इस आखिरी मुकाबले में खेलने का मौका मिला है। 40 रनों का लक्ष्य, गेंदबाज सूरज पहले गेंद सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है, एक रन वहां से आसानी के साथ प्राप्त किया बल्लेबाज केतन ने। ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी, सूरज ने चकमा दिया बल्लेबाज को। 40 रनों का लक्ष्य है, कवर क्षेत्र में गेंद को खेला, एक रन फिर से एक बार आसानी के साथ, 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर का मुकाबला है, हर एक ओवर में 10 रन आपको बनाने जरूरी है। बढ़िया गेंदबाजी सूरज के माध्यम से, चकमा दिया फिर से एक बार बल्लेबाज को। सूरज तैयार, इस बार बढ़िया शॉट खेला है, फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, मात्र एक रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 40 रनों का लक्ष्य है, और उसका पीछा यहां पर टीम करती हुई भैरव नाइट राइडर्स। ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी सूरज के माध्यम से, पहला ओवर यहां पर खत्म हो चुका है, मात्र 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 37 रनों की अभी भी आवश्यकता, 18 गेंदे और 37 रन, अटैक करना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब नहीं चलेगा इक्का दुक्का, जीतना है तो लगाना पड़ेगा चौका और छक्का। बढ़िया शॉट इस बार खेला है, फुल टॉस थी गेंद, एक ही रन मात्र मिला, 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 40 रनों का लक्ष्य है, 17 गेंदे और 36 रनों की अभी भी आवश्यकता, और नजदीकी क्षेत्र रक्षक को वहां पर बढ़ा दिया है। इस बार भी आसानी के साथ एक रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़े शॉट खेलना जरूरी है, बॉल के मेरिट के हिसाब से खेलना होगा, खराब गेंद का इंतजार करना होगा, और जब जब बल्लेबाज को अपने पाले में गेंद मिलेगी उसके ऊपर बड़ा शॉट खेलना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य आसान नहीं है। अब नजदीकी क्षेत्र रक्षक काफी ज्यादा, सीधा क्षेत्र रक्षक के हाथ में, गोदी में गेंद और विकेट का पतन, तालियों की गूंज मैदान में। एसआर के सुपर जायंट्स टीम यहां पर बढ़िया क्रिकेट आज खेला है उन्होंने। पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट है, आखिरी गेंद तक कहा नहीं जा सकता है कौन सी टीम जीतेगी। क्रिकेट इज अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, और यही सुंदरता है इस खेल की, जब तक आखिरी गेंद डाली नहीं जाती है। अर्ली सेलिब्रेशन थोड़ा सा महंगा भी पड़ सकता है, क्रिकेट है बॉस। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 40 रनों का लक्ष्य है। बढ़िया शॉट, इस बार गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। 3 क्षेत्र रक्षक वहां पर तैनात थे, और
11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 11 लॉस ऑफ द वन विकेट। इस बार भी बढ़िया कैच वहां पर लपका गया है, एक और विकेट, 11 रन लॉस ऑफ द टू विकेट। एसआर के सुपर जायंट्स हेलो 11 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, दो विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान में, बढ़िया शॉट खेला इस बार मिड विकेट क्षेत्र में, आसानी के साथ एक रन वहां पर प्राप्त किया, 12 रन। दो ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है और 12 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 लॉस ऑफ द टू विकेट। जीत के लिए 28 रनों का अभी भी आवश्यकता है, आसान तो होगा नहीं ये लक्ष्य। 12 गेंदे और 28 रनों की अभी भी आवश्यकता है के लिए भैरव नाइट राइडर्स टीम को। सांकी है गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे, व्हाइट बॉल कॉल के अंपायर ने, एक मुफ्त का रन मिलेगा, 13 रन व्हाइट करार किया अंपायर ने और 13 रन है। ट्रांसफर लेकर खेला इस गेंद को, एक रन मिलेगा आसानी के साथ, एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 14-14, दो विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार एक रन की कोशिश है, आसानी के साथ मुकम्मल भी होगा, 15 रन 15। आखिरी मुकाबला इस प्रतियोगिता का चलता हुआ, फिर से एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, यहां पर विकेट आता हुआ, एक और विकेट। काफी बड़ी मात्रा में एसआर के सपोर्टर मैदान में, एसआर की टीम के, और सेलिब्रेशन यहां पर मैदान में शुरू हो चुका है। 15 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान पर। भैरव नाइट राइडर्स टीम, दो मौके उनको मिले अभी भी यहां से मुकाबला बना सकते हैं, लेकिन एकाद दो बड़े हिट यहां पर काफी जरूरी। भैरव नाइट राइडर्स टीम यहां से जीत सकती है, लेकिन एकाद दो बड़े हिट बैक टू बैक आने जरूरी है। एक और डॉट बॉल, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 40 रनों का लक्ष्य है, कुल 40 रन यहां पर। प्रयास किया गेंदबाज ने, एक रन मिला आसानी के साथ, एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 16 रन ऑफ स्कोर कार्ड के ऊपर, 7 गेंदे शेष है और जीत के लिए अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है, 7 और 24 रन। बढ़िया शॉट, हाफ वॉली थी और सामने की ओर इस गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत के लिए 18 रन की अभी भी आवश्यकता है, 6 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता, आखिरी 6 गेंदे शेष है और 18 रन की अभी भी आवश्यकता है। प्रदीप और मुकेश जोड़ी मैदान में, 6 गेंदे और 18 रन की अभी भी आवश्यकता है, टारगेट है 40 रनों का। आसान नहीं होगा लेकिन यहां से असंभव नहीं है, क्रिकेट का खेल जब तक आखिरी विकेट नहीं आती है, आखिरी गेंद नहीं डाली जाती है, आखिरी रन नहीं आती है, तब तक मैच खत्म नहीं होता है। आखिरी 6 गेंदे और 18 रन की अभी भी आवश्यकता है। जबरदस्त ये कैच है, क्या बात है, तारीफ करनी होगी क्षेत्र रक्षक की, शंकित है वहां पर, हितेश थे और बढ़िया कैच वहां पर लपका गया है। आखिरी 5 गेंदे अभी भी शेष, 18 रन की आवश्यकता है, बढ़िया कैच वहां पर देखने को मिलता हुआ। भैरव नाइट राइडर्स टीम, 5 गेंदे 22 रन की, 18 रन की अभी भी आवश्यकता है। यहां पर बड़ा प्रहार किया है और गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर, बड़ा छक्का,
आवश्यकता थी इस छक्के की। अब चार गेंदे और 12 रन की अभी भी आवश्यकता है, चार गेंदे 12 रन, कौन सी टीम यहां से जीत पाएगी? इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो फिर से एक बार मुकाबले में पुनरागमन करेगी, कमबैक करेगी भैरव नाइट राइडर्स टीम। बढ़िया शॉट खेला इस बार, एक रन आसानी के साथ मिलेगा, 29 रन, तीन गेंदे और 11 रनों की अभी भी आवश्यकता है। आखिरी तीन गेंदे अभी विशेष, तीन गेंदे और 11 रन, कौन सी टीम जीतेगी? तो देखिए बेटा अपने बाप को गेंदबाजी कर रहा है मैदान के ऊपर, ये भी एक संघर्ष है, मैदान है क्रिकेट का। फुल टॉस थी गेंद, एक रन वहां से मिलेगी आसानी के साथ, 30 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर, दो गेंदे और 10 रन की आवश्यकता है, कौन सी टीम यहां से जीतेगी? आसान होगा नहीं, कहते हैं ना जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता, बिना संघर्ष यहां कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हाथोड़ी के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, प्रयास करना होगा दोनों टीम को यहां पर जीत के लिए। दो गेंदे और 10 रन की आवश्यकता है, फुलटा से गेंद थी, बढ़िया शॉट खेला है, एक रन की कोशिश की है और एक रन मुकम्मल भी होगा, एक गेंद और 9 रनों की आवश्यकता है। अरे जीतो बाबा जीतो बाबा, अरे जीतो बाबा जीतो बाबा। आखिरी मुकाबला, आखिरी गेंद, एक गेंद 9 रनों की आवश्यकता और एसआर के टीम चैंपियन बनी इस प्रतियोगिता की, बदलापुर बिग बैश जैन लीग 2024 जीती है एसआर के सुपर जायंट्स टीम ने, कांग्रेचुलेशन टीम एसआर के सुपर जायंट्स। सेलिब्रेशन होता हुआ मैदान में, बढ़िया यह प्रतियोगिता घटी और हमारे सभी स्पॉन्सर्स उनके भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस प्रतियोगिता में